Hello students and welcome to Prep IAS. I am Shubhangi Sharma, your faculty for History and Culture. Students, as a part of this particular series, we are conducting a crash course for your UPSC CSE prelims. And the topic for this particular lecture is going to be socio-religious reform movements. Now students, what I have done is, since socio-religious reform movements are quite bulky, so I have broken it down into two parts. Some of the socio-religious reform movements will be covered in this part and the other ones will be covered in the second part. So let's begin. यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे देश में 19th सेंचुरी के अंदर समाज में एक चेंज आने लगता है. ये चेंज कैसे आने लगता है? ये चेंज आता है इन द नेम ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स. तो यहाँ पे दो कैटेगरी हैं अपने पास में, सोशल मूवमेंट्स हैं और रिलीजियस मूवमेंट्स हैं, और इन दोनों के अंदर क्या हो रहा है? रिफॉर्म हो रहा है. यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि रिलीजियस मूवमेंट्स के अंदर हमारे पास में रिफॉर्म मूवमेंट भी है और रिवाइवल मूवमेंट भी है. रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? रिफॉर्म का मतलब ये होता है कि हमारे अगर कोई करंट प्रैक्टिसेस चल रही हैं जिनको रिलीजियस सैंक्शन मिला हुआ है और वो ठीक नहीं है या उनकी वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है, तो उनके अंदर हम रिफॉर्म करते हैं. और रिवाइवल का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी प्रैक्टिसेस जो इतिहास के पन्नों में खो चुकी हैं या धीरे धीरे डाई आउट हो रही हैं, उनको दोबारा रिवाइव करना. तो ये तो हमारी दो कैटेगरी हो गई रिलीजियस रिफॉर्म्स की. सोशल रिफॉर्म की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो सोशल रिफॉर्म हमारे देश को बहुत ज्यादा जरूरत थी. सोशल रिफॉर्म दो लाइन्स पर होता है, एक जेंडर और दूसरा कास्ट लाइन्स पर. हम देखते हैं जेंडर के सेंस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या चल रही है, भाई विमेन के पास बिल्कुल राइट्स नहीं है, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता, बहुत जल्दी उम्र में उनकी शादी हो जाती है, शादी हो गई और बाय चांस हस्बैंड की डेथ हो गई तो विडोज के साथ बहुत इल ट्रीटमेंट होता है. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो विमेन फेस कर रही थी. कास्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास में जो लोअर बैकवर्ड क्लासेस हैं हमारे पास में, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था, उनको सामाजिक चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था, टेंपल नहीं एंटर करने दिया जाता था, प्रॉपर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी. तो ये सब चीज़ें सोसाइटी के तहत एक ईवल की तरह चल रही थी. तो यहाँ पर हम देखते हैं जेंडर और कास्ट की लाइन पर रिफॉर्म हो रहे हैं. तो ये स्टूडेंट्स हमारी एक छोटी सी जिस्ट है कि भाई 19th सेंचुरी के अंदर जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स आए, इनकी डायरेक्शन क्या रही. इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे जो मूवमेंट्स हैं इनको दो कैटेगरी में तोड़ा जा सकता है. दैट इज रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, जिसमें हमारा ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ मूवमेंट ये सब आते हैं. रिफॉर्म में स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी करंट प्रैक्टिसेस चल रही हैं वो उनको हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. उसके अलावा हमारे पास रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, जैसे कि आर्य समाज या देवबंद मूवमेंट, हु वांट टू गो बैक टू अ प्रॉपर रिलीजियस आइडियल. जहां पे आर्य समाज की अगर हम बात करें तो ये लोग डायलॉग देते थे बैक टू द वेदास, सो दे वांट सम काइंड ऑफ वेदिक कल्चर एलिमेंट टू कम अगेन. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे अगर हम सोशल रिफॉर्म की बात करें तो ह्यूमनिस्टिक आइडियल्स ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी का जो आइडियल है, इससे इंस्पायर होके खास करके हमारी जो नई एजुकेटेड मिडिल क्लास है, जिसको इंटेलिजेंसिया भी कहा जाता है, जिसको हम और क्या कहते हैं, इंटेलिजेंसिया भी कहते हैं, ये लोग जो है सोशल रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं. ये नई एजुकेटेड मिडिल क्लास जो है स्टूडेंट्स, इन्होंने बहुत ज्यादा वेस्टर्न किताबें भी पढ़ी हैं. एट द सेम टाइम ये इंडिया के पुराने सोर्सेस को भी खंगाल रहे हैं और उनसे सैंक्शंस निकाल रहे हैं कि क्यों सोसाइटी के जो निचला वर्ग है या जो विमेन है उनको भी इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए. इसी वजह से स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि सोशल रिफॉर्म और रिलीजियस रिफॉर्म जो है ये आपस में काफी लिंक्ड है. कारण क्या है? हम देखते हैं कि बहुत सारे जो सोशल इवल्स चल रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको रिलीजन से लेजिटिमेसी मिल रही है, और इसी वजह से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कास्ट बेस्ड और जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी आई हुई है. इसलिए सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन स्टूडेंट्स. जहां पर हम देखते हैं कि अगर आप रिलीजियस रिफॉर्म्स करेंगे, वहां पे आप कोई चीजों को चेंज करने की कोशिश करेंगे, उसी पे बेस रखता है आपका सोशल रिफॉर्म भी. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया कि भाई सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स क्या हैं, क्यों ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं,
और अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू सिंपली जंप इन टू द डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स दैट हैड हैपन्ड ड्यूरिंग दी 19th सेंचुरी। इनमें सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन किस चीज़ से आ रही है, हम देखते हैं 19th सेंचुरी के अंदर हमारे पास में हाईली एजुकेटेड मिडिल क्लास आ रही है जिसने वेस्टर्न एजुकेशन भी ली है, एट द सेम टाइम वो अपने पुराने सोर्सेस को भी खंगाल रहे हैं और सैंक्शंस निकाल रहे हैं कि क्यों रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म्स होने चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि सबसे पहले हम विमेन रिलेटेड जो रिफॉर्म्स हुए हैं इनका डिस्कशन करेंगे। विमेन जो है स्टूडेंट्स, उनकी सोसाइटी के अंदर एज अ ग्रुप ऑल टुगेदर बहुत ही कम रिस्पेक्ट थी। द ओनली रिस्पेक्ट दैट वुमेन कुड बी गिवन वॉज इन द रूल्स ऑफ मदर्स, डॉटर्स एंड वाइफ्स। नाउ दिस इज समथिंग, दिस प्रोसेस इज समथिंग दैट हैड ऑलरेडी स्टार्टेड इन द एंशियंट पीरियड। The last proper references of women being free to choose to marry, to choose to marry late, or for that matter participate in the education is something that is only taken from the Rig Vedic period. From later Vedic period onwards, we will see that there was a gradual decline in the position of women, and हम देखते हैं कि आगे जाते जाते उनकी position बहुत ही खराब होने लगी और उनको एक घरेलू environment के अंदर रखा गया और उन्हें कहा गया कि भाई समाज में आपकी जो प्रतिष्ठा है वो एक माँ की, एक बेटी की और एक पत्नी की ही रोल में होती है। That is why students we see that these 19th century social religious reformers are now bringing up those issues that are kind of making the life of women very bad in the society of India. Keeping that in mind students, जो सबसे बड़ी problem हमारे देश के अंदर थी वो थी सती प्रथा। आई एम श्योर आप सब जानते होंगे सती प्रथा क्या होती है। सती प्रथा का स्टूडेंट्स एंशियंट इंडिया के अंदर पहला रिटन एविडेंस हमारे को गुप्ता पीरियड से मिलता है। वैसे तो आप देखेंगे कि जब हमारे पास में अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था, ठीक है, जब हमारे पास में ईरानियन मैकेडोनियन इन्वेजन हुए थे, उस टाइम पर ही हम देखते हैं कि उनके साथ जो स्क्राइब्स आए थे उन्होंने सती की बात करी थी। लेकिन इंडियन सोर्सेस के अंदर जो हमें पहला रिटन एविडेंस मिलता है सती का, वो गुप्ता पीरियड की एक इंस्क्रिप्शन से मिलता है। यहां से स्टूडेंट्स आप देखना शुरू करेंगे कि सती प्रथा हमारे देश में रैम्पेंट थी और इसके तहत कोई भी विडो अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उनको जिंदा उनके बर्निंग पायर के ऊपर बैठा दिया जाता था, वेदर शी वॉन्टेड इट और नॉट। मेनी ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स इट वॉज द केस दैट द वुमेन डिड नॉट वॉन्ट टू बी बर्नड अलाइव, एंड दैट इज वाई दिस वॉज वन ऑफ इल प्रैक्टिसेस दैट वॉज प्रेवलेंट इन अवर कंट्री। Keeping that in mind, students, you will see that there were many people in the 19th century who decided to attack this sati system, and the pioneer, the champion of demolishing sati altogether was none other than Rajaram Mohan Roy. राजाराम मोहन रॉय की बात करें स्टूडेंट्स तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करते ही सबसे पहले इन्हीं का नाम आता है। इन्होंने कास्ट बेस्ड रिफॉर्म्स की भी बात करी, विमेन के लिए रिफॉर्म्स की भी बात करी और रिलीजन को भी रिफॉर्म करने की बात करी। यहां पर बस हम ये वाला पॉइंट देखने वाले हैं कि राजा राम मोहन रॉय ने विमेन रिफॉर्म्स के तहत क्या बोला था। आप देखेंगे स्टूडेंट्स राजा राम मोहन रॉय जो हैं ये बहुत ही एक्टिवली सती प्रथा के अगेंस्ट लोगों को मोबिलाइज करना शुरू करते हैं और इनका रिजल्ट भी इनको मिलता है जब गवर्नमेंट इनका साथ देती है और सती प्रैक्टिस को इलीगल डिक्लेयर कर देती है और ये कहती है कि अगर सती हमें कहीं होते हुए दिखा तो वी आर गोइंग टू पनिश द पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रैक्टिस। Also, students, there was a specific act which is known as the 1829 Act, also known as the Bengal Code, Regulation 17th. In this particular regulation, students, for the first time in the Bengal Presidency, Sati was considered as a crime and it would have been considered as culpable homicide. And because of the efforts of Rajaram Mohan Roy, we see that this particular practice was declared illegal. तो ये इनका बहुत बड़ा जो हम कह सकते हैं अचीवमेंट रहा है और इसकी वजह से बहुत मेजरली वुमेन के लिए रिफॉर्म्स की शुरुआत होती है। सती के अलावा स्टूडेंट्स जो दूसरी प्रॉब्लम हम फेस करते थे वो थी द वेरी बिगिनिंग ऑफ द लाइफ ऑफ अ वुमन। व्हेन यू टॉक अबाउट अ फीमेल हैविंग अ डॉटर इज समथिंग विच इज नॉट डिजायर्ड ऑल टुगेदर बींग अ पार्ट ऑफ एन इंडियन फैमिली।
You will see that even in the Vedic literature, although women were given a lot of rights at that point of moment, however, students, you will see that the birth of the son was always desired. Moreover, you will find, especially in northwestern and central India, the moment a family came to know that their wife or their family member has given birth to a daughter, they would immediately kill the infant as it was considered to be economic liability. Keeping that in mind, students, female feticide or female infanticide is something that became a very, not feticide, infanticide became something which is a very rampant issue altogether. यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एक के बाद एक दो रेगुलेशंस आते हैं, एक 1795 का और दूसरा 1804 का बंगाल के अंदर, जिनसे इन्फेंटिसाइड को इलीगल डिक्लेयर किया जाता है और इसको मर्डर के समान माना जाता है। 1870 के अंदर स्टूडेंट्स हम देखते हैं एक और एक्ट पास होती है जो कि पेरेंट्स के लिए कंपलसरी कर देती है अपने हर बच्चे के बर्थ को रजिस्टर करना। तो हम देखते हैं एक के बाद एक ये जो तीन एक्ट्स पास हुई हैं, इससे फीमेल इन्फेंटिसाइड जो कि इंडिया के अंदर एक रैम्पंट प्रैक्टिस थी उसको कंट्रोल करने की कोशिश करी गई। तीसरी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स जो वुमेन फेस कर रही हैं वो है विडो रिमैरिज। हमारे यहाँ पे या तो क्या डिजायर किया जाता था कि भाई अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो आपके पास जीने के लिए अब बचा ही क्या है, जाओ आप भी जाके जल जाओ, फर्स्ट ऑप्शन तो आपके पास ये। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर यू आर अ विडो विडो लेट्स से, सो योर कंडीशन विल बी एब्सोल्युटली वर्स इन द सोसाइटी, यू विल बी कंसिडर्ड एज द हार्बिंजर ऑफ बैड लक। People who are married couples, or let's say there's a happy occasion altogether, widows will not be allowed to even enter that place because they are evil and they bring bad luck altogether. So keeping that in mind, students, the next problem which was attacked during the 19th century as a part of these reforms was widow remarriage, or widow remarriage jo hai, isko promote kiya gaya. यहाँ पे स्टूडेंट्स विडो रिमैरिज के लिए अगेन राजा राम मोहन रॉय इसके पायनियर बने, इसके चैंपियन बने और उन्होंने लोगों में ये एक्टिवनेस फैलानी शुरू करी कि भाई विडोज की रिमैरिज होनी चाहिए। इसी के तहत हम देखते हैं कि उन्होंने जो इंस्टीट्यूशन बनाई थी ब्रह्मो समाज, उसके अंदर हम देखते हैं कि विडो रिमैरिज जो है इसको पॉपुलराइज किया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास में एक बहुत ही पॉपुलर सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर हैं जिनका नाम है पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने अब ऑलमोस्ट अपनी पूरी जिंदगी इस एफर्ट के अंदर लगा दी कि विडो रीमैरिज जो है इसको लीगल करना चाहिए और इसको सोसाइटी का एक इंट्रेंसिक पार्ट बनाना चाहिए। इसके तहत स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये सक्सेसफुल भी होते हैं और 1856 के अंदर इनके एफर्ट्स के थ्रू हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट को पास कराया जाता है। राजा राम मोहन रॉय, ब्रह्मो समाज, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अलावा हमारे पास और भी काफी सारे लोग हैं जिन्होंने विडो रिमैरिज जो है इसको पॉपुलराइज किया। इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास हैं प्रोफेसर डी के कार्वे जो कि वेस्टर्न इंडिया में काम कर रहे थे। मद्रास की अगर हम बात करें तो वहां पर है वीर सालिंगम पंतुलु, उसके अलावा हमारे पास है बीएम मालाबारी, नर्मद दवे, गोविंद महादेव रानाडे, के नटरंजन एटसेट्रा। ये सारे के सारे जो लोग हैं ये कौन हैं, इन सब ने विडो रिमैरिज जो है इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाई। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास दो लोग हैं, जगन्नाथ शंकर सेठ और भाऊदा जी, जिन्होंने महाराष्ट्र में लड़कियों को पढ़ाना और लड़कियों को स्कूल भेजने जैसे आइडियाज को प्रमोट किए। हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बाद में हमारे पास एक जने आते हैं जिनका नाम है उनके साथ में ही हमारे पास एक जने आते हैं जिनका नाम है विष्णु शास्त्री पंडित, और इन्होंने एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड एसोसिएशन बनाई जिसका नाम है विडो रीमैरिज एसोसिएशन। और इसका काम क्या था, इसका काम लिटरली ये था कि समाज के अंदर विडोज जो हैं उनके लिए जो एक बुरी छवि बनी हुई है उसको खत्म करना और उनकी रीमैरिज करवाना। ये जो हमारे पास एसोसिएशन है स्टूडेंट्स, ये 1850s के डेकेड्स के अंदर काम कर रही थी।
अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि हमारे पास एक और जने हैं जिनका नाम है करसन दास मूल जी, और इन्होंने सत्य प्रकाश शुरू किया गुजराती लैंग्वेज के अंदर। ये एक पब्लिकेशन है स्टूडेंट्स, और 1852 में इन्होंने इसको स्टार्ट किया, जिससे कि ये अपने आर्टिकल्स के द्वारा विडो रिमैरिज का जो कॉन्सेप्ट है उसको समाज में ला सकें और लोगों में इस बात की अवेयरनेस फैला सकें। तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने टैकल किया कि कैसे सती प्रथा को अबॉलिश किया गया। उसके अलावा हमने देखा कि हमारा जो फीमेल इन्फेंटिसाइड चल रहा है उसको लेके क्या रिफॉर्म्स आए, और तीसरी बात हमने ये देखी कि भाई विडो रीमैरिज जो है इसके लिए कौन रिफॉर्मर्स ने काम किया और इसके तहत क्या कोई एक्ट पास हुई। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अपना चौथा विमेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है इसको टैकल करते हैं, एंड दिस इज चाइल्ड मैरिज। When you talk about women students, first of all, they were already considered a financial burden, and that is why they were married off at very young ages. As a result, students, this was something that had created problems in the society altogether. You can just imagine a kid of barely 4 or 5 years old getting married. It's something which was not a social practice that can be considered to be good. As a result, students, you will see that many people in the 19th century came forward and started debating about the marriageable age of women and men as well. You know why? Because at this particular time, even if you talk about the 19th century, even the boys were married at a very young age altogether. However, the taboo was not as much for men as it was for women who were kind of married at very young ages altogether. कीपिंग दैट इन माइंड स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि हमारे पास में चाइल्ड मैरिज जो है इसके अगेंस्ट आवाज उठी, और इसके कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि सरकार भी एक्टिव हुई और उन्होंने कई एक्ट्स पास करें जिससे कि मैरिजेबल एज को बढ़ाया जा सके। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे सबसे पहले 1891 में हमारे पास एक पारसी रिफॉर्मर हैं जिनका नाम है B.M. मालाबारी। B.M. मालाबारी जो है इनके एफर्ट्स की वजह से एक एक्ट पास होती है जिसका नाम है एज ऑफ कंसेंट एक्ट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है स्टूडेंट्स, इसके तहत हम देखते हैं कि 12 और 12 से कम साल की उम्र की जो लड़कियां हैं उनकी शादी के ऊपर बैन लगा दिया गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास 1930 के अंदर नेक्स्ट एक्ट आती है जिसका नाम है द वेरी पॉपुलर शारदा एक्ट। शारदा एक्ट जो है स्टूडेंट्स, इसने फर्दर मैरिजेबल एज लड़के और लड़की दोनों के लिए बढ़ा दी। 18 लड़कों के लिए कर दी गई मैरिजेबल एज और 14 मैरिजेबल एज कर दी गई गर्ल्स के लिए। हम देखते हैं स्टूडेंट्स जब भारत को आजादी मिल जाती है तब 1978 के अंदर जाके फाइनली हमारे पास आती है चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अंदर लड़कियों की मैरिजेबल एज जो है वो 18 कर दी जाती है 15 से, और बॉयज की 18 से 21 कर दी जाती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमें कितना टाइम लग गया इन बेसिक एजेस पर आने के लिए, वेर इन विमेन वर मैरिड ऑफ एट सच अर्ली एजेस। द लोएस्ट कैन बी एज अर्ली एज 4 or 5 years ओल्ड। सो दिस वॉज वन सोशल इविल दैट वॉज कंसर्निंग वुमेन इन इंडिया, एंड थैंक्स टू दीज ब्यूटिफुल रिफॉर्मर्स इन 19th सेंचुरी हु रोज देयर वॉइस टाइम एंड अगेन दैट ऑल ऑफ दीज एक्ट्स वर पास्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम द इश्यू ऑफ चाइल्ड मैरिज, देर वॉज अबॉलिशन ऑफ सती, देर वॉज अवेयरनेस अबाउट फीमेल इन्फेंटिसाइड, ऑल्दो इट इज स्टिल रैम्पेंट, नॉट एज सच रैम्पेंट बट स्टिल प्रेवलेंट इन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, वी सी that the issue of widow remarriage, which was something that nobody would even dare speak about, is something that became a part of day-to-day talking. And this is something that was a huge gift that was given by the 19th century social religious reformers. इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं पांचवा इशू जो कि विमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए था, और ये है एजुकेशन फॉर विमेन। अब अगर हमने पीछे की जो स्लाइड्स पढ़ी हैं इनको देखते हुए एजुकेशन का तो रोल ही क्या है, पहले बेसिक नेसेसिटीज तो पूरी हों ऑल टुगेदर, एंड बिसाइड्स विमेन वर कंसिडर्ड टू बी होमली क्रीचर्स। यू विल ओनली बी रिस्पेक्टेड व्हेन यू आर लिविंग इन द बाउंड्रीज ऑफ योर होम, व्हेन यू आर अ मदर, व्हेन यू आर अ डॉटर और यू आर अ वाइफ। सो एजुकेशन वॉज समथिंग दैट वॉज ऑफ अ लीस्ट कंसर्न फॉर एनी फैमिली व्हेन इट केम टू देयर डॉटर्स, वाइव्स और मदर्स।
However, students' 19th century again came as a breath of fresh air, wherein we find these social reformers raising their voice so that women could be admitted to schools and colleges and get education for themselves. Here, students, it'll be important to note that the first ever educational institution for women was not set up by Indians, rather it was set up by the Christian missionaries in 1819, and the name for the same was Calcutta Female Juvenile Society. See, you can argue that ma'am, there were schools, there were madrasas, gurukuls, etc. in the ancient period, in the medieval period, etc. However, students, will be important to note that when you talk about education for women per se, the idea is that how many of them are getting. Of course, if you're born in a very rich family, if you're from a royal family, you will receive some kind of education altogether. However, we are talking about the majorities who are restricted from getting such kind of advantages. तो यहाँ पे ये सारी बातें एक सोशल स्फीयर में लाना और इक्वली हर वुमेन को एजुकेशन मिले, इस तरह की बातें 19th सेंचुरी में ही शुरू होती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे 1849 के अंदर बनता है हमारा पहला मेन गर्ल्स स्कूल, जिसका नाम है बेथुने स्कूल, और इसको जेईडी बेथुने ने स्टार्ट किया था, जो कि काउंसिल ऑफ एजुकेशन, जो कि कैलकटा में है, उसके प्रेसिडेंट थे। यहाँ पर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि इस स्कूल के फॉर्मेशन में बहुत बड़ा हाथ ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी रहा है, जिन्होंने यहाँ पर पढ़ाया भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में ब्रिटिशर्स एक डिस्पैच लेकर आए 1854 में, जिसको पॉपुलरली कहा जाता है चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑफ 1854। इस डिस्पैच के अंदर जो है फीमेल एजुकेशन के ऊपर बहुत स्ट्रेस किया गया, जिससे कि कुछ ऐसे पॉलिसी चेंजेस ही करे जाएं ब्रिटिशर्स की तरफ से, सो दैट विमेन कैन आल्सो एंटर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड गेट द राइट टू रिसीव एन एजुकेशन। मोर ओवर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि 1916 के अंदर हमारे पास दो मेजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विमेन के लिए डेडिकेटेड बनती हैं। इसमें से एक है इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जो कि बॉम्बे में बनी थी, और इसको डीके कार्वे बनवाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास में है लेडी हार्डिंज मेडिकल कॉलेज, जो कि दिल्ली में है, और ये भी 1916 में बना था, और दोनों के दोनों फीमेल्स की हायर एजुकेशन के ऊपर स्ट्रेस कर रहे थे। यहाँ पे स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि शुरू की 5 स्लाइड्स के अंदर तो हमने ये देखा कि कैसे लोग आगे आके वुमेन की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सोशली अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर स्लाइड से स्टूडेंट्स, हमारा फोकस क्या रहेगा, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दोज वुमेन हु केम फॉरवर्ड, डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स ऑल टुगेदर, और इसके तहत इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं और जो बातें करी हैं कि भाई हमें क्या चाहिए, हमें समाज में किस तरह से इज्जत, किस तरह के राइट्स चाहिए, इन सब का डिस्कशन जो है इस स्लाइड से होगा। तो अभी तक आपने देखा होगा, हमने जितनी भी सोसाइटीज, ऑर्गेनाइजेशंस, इश्यूज जिनकी बात करी है, आगे बढ़ चढ़ के हमारे पास जो रिफॉर्मर्स आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर मेन। नाउ फ्रॉम दिस स्लाइड ऑनवर्ड्स द फोकस विल एक्सक्लूसिवली ऑन वुमेन एंड हाउ दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन ऑर्डर टू डिमांड सम अपलिफ्टमेंट इन दी सोसाइटी। 1882 में स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले एक बहुत ही पॉपुलर रिफॉर्म सोशल रिफॉर्मर आ रही हैं, एंड हर नेम इज पंडिता रमाबाई सरस्वती। पंडिता रमाबाई की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, सो शी इज वेरी पॉपुलर व्हेन इट कम्स टू दीज सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, एंड शी हैड फाउंडेड आर्य महिला समाज। तो जो आर्य समाज था, उसकी एक वुमेन विंग इन्होंने बनाई, आर्य महिला समाज, जिससे कि वुमेन के जो कॉजेज हैं उनको सोसाइटी के सामने लाया जा सके। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि इन्होंने वुमेन की एजुकेशन जो है उसके ऊपर फोकस किया, और गवर्नमेंट को और लोगों को प्लीड किया कि भाई जो हमारा एजुकेशनल सिलेबस है उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन वुमेन, दे शुड बी गिवन चांसेस टू स्टडी सम डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स एंड गेट इनटू हायर क्वालिफिकेशंस। Moreover, students, apart from women education, she was also the champion for the rights of widows, and as a result, she had founded a separate school for widow children and in Pune, and this was known as Sharda Sadan.
शारदा सदन जो स्टूडेंट्स इन्होंने बनाया था, इसके अंदर इनकी मदद एमजी रानाडे ने भी करी थी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लड़कियां जो एकदम बच्चे की उम्र में हैं पर विडो हो चुकी हैं, जिनको समाज एक तरह से बहिष्कृत करके रख रखा है, उनको ये पढ़ाती थी और उनको एक लाइफस्टाइल इन्होंने दी। पंडिता रमाबाई के अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास में हैं रमाबाई रानाडे, जो कि एमजी रानाडे की वाइफ हैं। शी इन 1904 हैड स्टार्टेड लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस और भारत महिला परिषद, जो कि नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो बॉम्बे में बनी थी उसका विमेन विंग था। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास 1910 के अंदर एक जने हैं जिनका नाम है सरला देवी चौधरानी। और सरला देवी चौधरानी जो हैं, इन्होंने जो एसोसिएशन बनाई थी इसका नाम है भारत स्त्री महामंडल। स्टूडेंट्स आप देखेंगे इसको पहली इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी माना जाता है जो विमेन के लिए सोशल और पॉलिटिकल दोनों रिफॉर्म्स मांग रही है। जबकि अभी तक जो हमने इससे पहले की दोनों एसोसिएशंस देखी हैं, दे आर लिटरली विमेन विंग्स ऑफ अदर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज वाई भारत स्त्री महामंडल बाय सरला देवी चौधरानी इज कंसिडर्ड टू बी समथिंग विच इज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड बाय अ वुमन दैट इज आस्किंग नॉट ओनली फॉर सोशल बट इवन फॉर पोलिटिकल राइट्स फॉर वुमेन। कहाँ पे शुरू हुई है स्टूडेंट्स? ये अलाहाबाद में इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। ऑब्जेक्टिव्स की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो सरला देवी जो हैं वो विमेन में एजुकेशन के प्रमोशन को लेकर बात कर रही हैं, पर्दा सिस्टम हटाने की बात कर रही हैं, और उसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स जो हैं विमेन के वो उन्हें कैसे मिले, इन सब का डिस्कशन जो है भारत स्त्री महामंडल के अंदर होता था। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि 1925 के अंदर हमारे पास नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन है जो कि इंडिया के अंदर बन रहा है, एंड दिस इज अगेन अ ब्रांच ऑफ एन इंटरनेशनल बॉडी विच इज नोन एज द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन। ये जो नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन है इंडिया की स्टूडेंट्स, इसको बनाया था मेहरी बाई टाटा ने। और इसके अंदर हम देखते हैं इसकी एग्जीक्यूटिव कमिटी के अंदर हमारे पास में कॉर्नीलिया सरबजी भी बैठी हैं, जो कि इंडिया की पहली लेडी बैरिस्टर थी। तो यहाँ पे काफी सारे फैक्चुअल पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, इनको आप याद रखेंगे। विमेन रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास में हर 2-3 साल में एक क्वेश्चन विमेन रिफॉर्म से जरूर आता है। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जो हैं, देखिए एंशंट के अंदर जैनिज्म बुद्धिज्म, मिडिवल के अंदर सूफी भक्ति, और मॉडर्न के अंदर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, ये तीनों जो हैं ये तीनों टाइम पीरियड के अंदर हम देखते हैं एक ना एक बार ऐसी चीज आई है जब रिफॉर्म हुआ है। यहां दोनों जगह पर हम देख रहे हैं कि रिलीजियस रिफॉर्म पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन भक्ति मूवमेंट में भी हम देखते हैं कि सोशल रिफॉर्म की बात हो रही है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट सोशल रिफॉर्म्स की लहर मॉडर्न इंडिया में चलती है जब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स आते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स जितना इंपॉर्टेंट आप इन दोनों को मानते हैं वही सिमिलर इंपॉर्टेंस आपके लिए सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स रखते हैं। और प्रिलिम्स में यूं तो आपको इनके रेगुलर क्वेश्चंस मिलेंगे, पर हाँ हर 2 से 3 साल के अंदर आप देखेंगे इनका विमेन वाले एस्पेक्ट पे काफी फोकस होता है। समझने की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर जो बहुत ज्यादा समझा जाए, पर यहाँ पर द आइडिया इज दैट कि हम कितने अच्छे और कितने रिस्ट्रिक्टेड नोट्स बना के रख लें जिनको हम टाइम एंड अगेन रिवाइज कर सकें, क्योंकि इस तरह के फैक्चुअल पॉइंट्स की एक ही स्ट्रेटेजी होती है और वो होती है रीड एंड देन रिवाइज, रिवाइज एंड रिवाइज। ऑलराइट, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने 1925 की ऑर्गेनाइजेशन देखी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है ये 1927 की है जिसका नाम है ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फ्रेंस, और इसको मार्गरेट कजिन्स ने स्टार्ट किया था। एंड दिस इज परहैप्स द फर्स्ट विमेन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कंसिडर्ड टू हैव एन इगैलिटेरियन अप्रोच। इगैलिटेरियन का मतलब क्या होता है? इगैलिटेरियन का मतलब होता है इक्वल राइट्स फॉर ऑल। सो दिस इज नॉट सम थिंग दैट इज ओनली हाईलाइटिंग द इश्यूज ऑफ वुमेन। यू विल सी स्टूडेंट्स ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस इज समथिंग दैट इज टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन इन द सोसाइटी, मेकिंग इट क्वाइट डिस्टिंक्ट इन इट्स अप्रोच ऑल टुगेदर। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स यू विल सी दैट द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस हैपेंड एट द वेरी फेमस फर्ग्यूसन कॉलेज विच इज लोकेटेड इन पुणे।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा विमेन से एसोसिएटेड डिस्कशन खत्म होता है। क्विक रिकैप लेते हैं। क्विक रिकैप के तहत स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि हमारे पास में एक तो सोशल रिफॉर्म चल रहे हैं, एक रिलीजियस रिफॉर्म चल रहे हैं। सोशल रिफॉर्म के अंदर हमारे पास रिवाइवल है, ठीक है, या फिर रिफॉर्म मूवमेंट है। रिवाइवल माने पुरानी प्रैक्टिसेस वापस लाना, रिफॉर्म माने करंट प्रैक्टिसेस चेंज करना। सोशल रिफॉर्म्स की बात करें तो दो लाइंस पर है, जेंडर और दूसरा हो गया आपकी कास्ट के लाइंस पर। जेंडर की अगर हम बात करें तो कौन सी ऐसी जेंडर है जो सबसे ज्यादा दुखी है, वो है वुमेन। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज एट दिस मोमेंट। हेंस वी सी स्टूडेंट्स व्हेन मेनी वुमेन रिलेटेड रिफॉर्म्स आर कमिंग अप। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने पहले तो नेचर देख लिया सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का। साथ में हमने ये देखा था कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, दो साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है ये, क्योंकि बहुत सारे सोशल इवल्स को रिलीजियस सैंक्शन मिलता था। इसी के तहत स्टूडेंट्स हमने विमेन जो है उनकी प्रॉब्लम्स ट्रेस करना शुरू किया। एक तो हमारे पास प्रॉब्लम है सती, दूसरी है फीमेल इन्फेंटिसाइड चल रहा है, उसके अलावा हम देख रहे हैं विडोरी मैरिज हो, विडोज जो है उनकी पुअर कंडीशन है, उसके अलावा हम देख रहे हैं कि चाइल्ड मैरिज हो रही है, और उसके अलावा हम देख रहे हैं कि कोई भी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज जो है वो विमेन को नहीं मिल रही है। एज अ रिजल्ट हमने वन बाय वन इन इश्यूज को टैकल किया और देखा कौन लोगों ने इनके खिलाफ आवाज उठाई, इससे रिलेटेड प्रचार प्रसार के लिए एसोसिएशन बनाई, और क्या उसका कोई फायदा हुआ और उसके तहत कोई एक्ट्स पास हुई क्या इनको रेगुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक होलिस्टिक डिस्कशन कंप्लीट होता है। अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ेंगे एंड वील स्टार्ट विद इंडिपेंडेंट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स एंड हाउ दे कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दीज मूवमेंट्स इन दी 19th सेंचुरी। हियर स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मोस्ट पॉपुलर पर्सन, दैट इज राजा राम मोहन रॉय, एंड द एसोसिएशन दैट ही हैड स्टार्टेड वॉज नोन एज ब्रह्मो समाज। राजा राम मोहन रॉय के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसां भी बोला जाता था और इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता था। इन्होंने 1809 के अंदर एक किताब लिखी जिसका नाम है गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, और इसके अलावा इन्होंने वेद और हमारे पांच उपनिषद को बंगाली के अंदर ट्रांसलेट किया। ये जो ट्रांसलेशन इन्होंने करी है इसका कारण ये था कि राजा राम मोहन रॉय सोसाइटी के अंदर ये पॉइंट लेकर आना चाहते थे कि जो हिंदू एंशियंट टेक्स्ट्स हैं ये मोनोथीज्म यानी कि एक भगवान की पूजा करना इस चीज के अंदर बिलीव करती थी। अदरवाइज अगर कोई हिंदुइज्म को आउटसाइडर देख रहा है तो उन्हें लगेगा इट्स अ पॉलिथिस्टिक रिलीजन बिकॉज यू हैव मल्टीप्लिसिटी ऑफ गॉड, द पैंथियन इज ह्यूज ऑल टुगेदर। However, students, you will see that this particular person had actually taken the effort to translate Vedas and the Upanishads and then take out those key pointers that suggested that in the ancient Hindu texts, the idea of monotheism is something which is supported altogether. Apart from that, students, you will see that in 1814, he started his first organization, which is known as Atmiya Sabha or the Society of Friends in Calcutta. हियर स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ द डिस्कशंस ही डिक्लेयर्ड कि जो वेदांता है वो रीजन के बेसिस पर बनी एक बहुत ही रैशनल फिलोसफी है ऑल टुगेदर। और यहाँ पे वो ये कहते हैं कि अगर रीजन डिमांड, अगर किसी भी स्क्रिप्चर के अंदर रीजन नहीं है, रैशनैलिटी नहीं है और वो कोई सोशल इल्स को प्रमोट कर रही है तो हमें उस तरह के स्क्रिप्चर्स को त्याग देना चाहिए। तो यहाँ पे वेदांता को वो सपोर्ट भी कर रहे हैं पर एट द सेम टाइम वो ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा रिलीजियस स्क्रिप्चर है जो कि कोई सोशल ईविल को सैंक्शन करता है तो हमार को उन स्क्रिप्चर्स को त्याग देना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे 1820 के अंदर इन्होंने किताब लिखी परसेप्ट्स और प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इनको क्रिश्चियनिटी के अंदर भी काफी इंटरेस्ट था और इसके तहत इन्होंने जो है न्यू टेस्टामेंट जो है उससे रिलेटेड एक किताब लिखी विच इज प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। और इस किताब के अंदर इन्होंने मॉरल और फिलोसॉफिकल मैसेज जो था नए टेस्टामेंट का उसको सेग्रीगेट करने की कोशिश करी। तो यहाँ पे जितना डीप इंटरेस्ट इन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर्स में लिया है उसके अलावा इन्होंने हमारे रिलीजन को और क्रिश्चियनिटी इन सब को भी पढ़ा है और कंपेयर करके देखा है कि भाई क्या चीज है जो कि एक्चुअली एक रीजनेबल एक रैशनल आउटलुक लेके आ सकती है सोसाइटी में।
इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इन्होंने अपनी जो सबसे पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्टार्ट किया 1828 में, जिसका नाम है ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ब्रह्मो समाज के की आइडियल्स ये थे। एक तो वो आइडल वर्शिप को अपोज करते थे। दूसरी बात, ब्रह्मो सभा जो है इसके अंदर कास्ट सिस्टम जो है इसको भी अपोज करते हैं। तो आइडल वर्शिप, मीनिंगलेस रिचुअल्स और कास्ट सिस्टम, इन सबको अपोज कर रहे हैं ब्रह्मो समाज। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इनकारनेशन जो अवतार वाली थ्योरी है इसके अंदर भी बिलीव नहीं करते थे राजा राम मोहन रॉय और उनका ब्रह्मो समाज। यहाँ पर स्टूडेंट्स, ब्रह्मो समाज के अगर हम एजेंडा की बात करें तो इनका लॉन्ग टर्म एजेंडा था टू प्योरिफाई हिंदुइज्म एंड टू प्रीच मोनोथिज्म, यानी कि एक ही भगवान के अंदर विश्वास रखने वाली जो बात है इसको प्रमोट किया राजा राम मोहन रॉय ने। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो रीजनिंग, जो रैशनल ये रिलीजियस रिफॉर्म के लिए लगाते थे, दिस वॉज बेस्ड अपॉन द टीचिंग्स ऑफ वेदास एंड द उपनिषद्स, एंड राजा राम मोहन रॉय हैड अ फर्म बिलीफ इन द फिलोसफी ऑफ वेदांता। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जब ये रिलीजियस रिफॉर्म की बात करने लगते हैं तो नेचुरली समाज के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि राजा राम मोहन रॉय जो हैं इनके अगेंस्ट बात करने लगते हैं, इनको अपोज करने लगते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में 1830 में इनके बिलीव्स के ऊपर चैलेंज आता है और इनको चैलेंज करते हैं राधाकांत देब, जो कि ब्रह्मो समाज को काउंटर करने के लिए अपनी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम है धर्म सभा। यहाँ पर स्टूडेंट्स, रिलीजियस रिफॉर्म्स के अलावा हमने देखा है कि राजा राम मोहन रॉय जो हैं वो अपने सोशल रिफॉर्म्स के लिए भी जाने जाते हैं। इसमें से ऑलरेडी एक मेजर डिस्कशन, दैट इज सती का अबॉलिशमेंट जो है, उसको हमने ऑलरेडी विमेन वाले हेड के अंदर कर लिया था, तो हम यहाँ पे दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। बट हम जानते हैं द चैंपियन ऑफ विमेन राइट्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द अबॉलिशिंग ऑफ सती प्रैक्टिस वॉज राजा राम मोहन रॉय। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इन्होंने पॉलीगमी जिसकी जो प्रैक्टिस थी उसको भी अटैक किया, वेर इन वन मैन हैज मल्टीपल वाइफ्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, विडोज जो हैं उनके सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए भी इन्होंने काम किया और विमेन को राइट टू इनहेरिटेंस मिले और प्रॉपर्टी के अंदर हक मिले, कुछ ऐसी बातों की डिमांड भी इन्होंने समाज के सामने रखी। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इन्होंने एक जने हैं डेविड हेयर करके, और डेविड हेयर जो हैं उन्होंने हिंदू कॉलेज स्टार्ट किया था 1817 में, और इस एफर्ट को बहुत ही अच्छे से सपोर्ट किया राजा राम मोहन रॉय ने। 1825 के अंदर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इन्होंने खुद अपना एक कॉलेज एस्टैब्लिश किया जिसका नाम इन्होंने रखा वेदांता कॉलेज, क्योंकि ये खुद वेदांता में बहुत बिलीव करते थे। यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इन्होंने दो टाइप के कोर्सेस को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज अवर इंडियन लर्निंग एंड वेस्टर्न सोशल साइंसेज अलोंग विद फिजिकल साइंसेज। तो इस तरह के कोर्सेज जो हैं वेदांता कॉलेज के अंदर ऑफर किए जाते थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इन्होंने कुछ इकोनॉमिक मैल प्रैक्टिसेस जो चल रही थी उनके अगेंस्ट भी आवाज उठाई। फॉर इंस्टेंस, इन्होंने बंगाली जमींदार्स का जो ऑप्रेसिव एटीट्यूड था उसके अगेंस्ट समाज के अंदर अवेयरनेस लाने की कोशिश करी। उसके अलावा इन्होंने बोला कि मैक्सिमम रेंट जो है उसके ऊपर एक कैप लगनी चाहिए, उसको फिक्स करना चाहिए, जिससे कि जमींदार अपनी मर्जी से कुछ भी ना मांगते रहें। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि टैक्स फ्री लैंड्स के ऊपर टैक्स जो लगा चुके थे ब्रिटिशर्स, उसको अबॉलिश करने के ऊपर भी राजा राम मोहन रॉय ने अपनी आवाज उठाई। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इनका क्विक रीकैप लें तो दो ऑर्गेनाइजेशंस इनसे एसोसिएटेड हैं, एक हो गई अपनी आत्मीय सभा, दूसरी हो गई ब्रह्मो समाज। रिलीजियस रिफॉर्म की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये किस चीज में बिलीव करते हैं, ये वेदांता के अंदर बिलीव करते हैं और लोगों को मोनोथीज्म ऑप्ट करने के लिए बोलते हैं। मोर ओवर स्टूडेंट्स, इन्होंने रिलीजियस रिफॉर्म्स के अलावा सोशल रिफॉर्म्स की भी बात करी है, और इसके तहत एक तो इन्होंने सती प्रथा को अबॉलिश करवाया, सती प्रथा के अलावा विडोज जो हैं उनके सोशल स्टेटस में अपलिफ्टमेंट हो और विमेन को जो है एजुकेशन मिले इस चीज के ऊपर बात करी, उनको प्रॉपर्टी मिले इस चीज के ऊपर बात करी। एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हमने देखा कि इन्होंने कॉलेज भी खोला है जिसका नाम है वेदांता कॉलेज, और इसके अलावा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के तहत इन्होंने जमींदार जो कि बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव थे नेचर में, उनके खिलाफ भी आवाज उठाई। तो ये एक इनका क्विक रिकैप है।
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉपुलर सोशल रिफॉर्मर ऑफ द 19th सेंचुरी, एंड हिज नेम इज देवेंद्र नाथ टैगोर. एंड देवेंद्र नाथ टैगोर स्टूडेंट्स इज वन पर्सन हु कैरीड ऑन द लेगेसी ऑफ राजा राम मोहन रॉय बाय एंटरिंग द ब्रह्मो समाज. आप देखेंगे 1842 के अंदर देवेंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविंद्र नाथ टैगोर के फादर हैं, उन्होंने ब्रह्मो समाज ज्वाइन कर लिया. ब्रह्मो समाज ज्वाइन करने से पहले स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इन्होंने 1839 में खुद एक ऑर्गेनाइजेशन खोली थी जिसका नाम है तत्व बोधिनी सभा. तत्व बोधिनी सभा जो है स्टूडेंट्स, इसके अंडर एक जर्नल, एक पब्लिकेशन भी पब्लिश होती थी जिसका नाम है तत्व बोधिनी पत्रिका, जिसको बंगाली लैंग्वेज के अंदर पब्लिश किया जाता था. और ये इंडिया के पास्ट का एक सिस्टमैटिक आउटलुक बनाने की कोशिश करती थी, उसको एक रैशनल, एक रीजन्ड फॉर्म में लोगों के सामने लाती थी. इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे क्योंकि इन्होंने ब्रह्मो समाज ज्वाइन किया था, सो नेचुरली ही वाज वन फॉलोअर ऑफ राजा राम मोहन रॉय, और इसी वजह से इन्होंने अपने जीवन के कार्यकाल के अंदर राम मोहन और ब्रह्मो समाज के आइडियाज को स्प्रेड करने की कोशिश करी. इसी के तहत स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि बहुत सारी यूथ जो है वो ब्रह्मो समाज के आइडियाज से इन्फ्लुएंस हुई और उन्होंने ब्रह्मो समाज ज्वाइन किया, जिसके अंदर कुछ पॉपुलर नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड अश्विनी कुमार दत्त. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि देवेंद्र नाथ टैगोर जो है उन्होंने रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में क्रिश्चियन मिशनरीज के खिलाफ आवाज उठाई, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज जो है अपने रिलीजन को बड़ा दिखाने के लिए हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज करते थे और लोगों को अलग अलग डील्स देते रहते थे जिससे कि वो क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाए. तो इन मैल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ने अपनी आवाज उठाई. इसके बाद में स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर हैं, इनका नाम है केशव चंद्र सेन, और केशव चंद्र सेन भी स्टूडेंट्स ब्रह्मो समाज से एसोसिएटेड है. 1858 में हम देखते हैं कि केशव चंद्र सेन जो हैं, इनको देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्मो समाज में आचार्य का पद दे देते हैं. इसके तहत स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये ब्रह्मो समाज के जो आइडियाज हैं उनका बंगाल के बाहर प्रचार प्रसार करना शुरू करते हैं, और इस वजह से ब्रह्मो समाज की इंडिया में और भी बहुत जगह ब्रांचेस बन जाती हैं, जैसे कि यूनाइटेड प्रोविंसेस, पंजाब, बॉम्बे, मद्रास एंड मेनी अदर टाउन्स. However, students, it'll be important to note that in 1866, there is a difference in the ideology of Devendranath Tagore and Keshav Chandra Sen, and as a result, we see that there is a dividation of their followers. तो क्या होता है, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन में कुछ आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, और इस वजह से केशव चंद्र सेन और उनके फॉलोअर्स निकल कर एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया. जो लोग देवेंद्रनाथ टैगोर को सपोर्ट कर रहे हैं वो अपनी अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम है आदि ब्रह्मो समाज. ये जो खंडन हुआ है 1866 में हुआ है, तो इसीलिए इन दोनों का ईयर 1866 ही होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि 1878 में केशव चंद्र सेन के जो फॉलोअर्स हैं वो एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम है साधारण ब्रह्मो समाज, और इसके जो की लीडर्स हैं उनका नाम है आनंद मोहन बोस, शिव चंद्र देव एंड उमेश चंद्र दत्त. Apart from that, you will see that in 1910, we see the Dayal Singh Trust starting Dayal Singh College at Lahore, wherein the ideas of Brahmo Samaj were propagated and they were prospering. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि राजा राम मोहन रॉय के बाद में एक के बाद एक हमारे पास कई ऐसी पर्सनालिटीज आती हैं, जैसे कि देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन, जो कि ब्रह्मो समाज की बागडोर को संभालते हैं. लेकिन इनके बीच में कुछ आइडियल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, जिस वजह से हम देखते हैं मल्टीपल ब्रह्मो समाज आ जाते हैं, जैसे कि ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, आदि ब्रह्मो समाज एंड लेटर साधारण ब्रह्मो समाज. इसी के साथ आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन हुज नेम इज परमहंस मंडली. परमहंस मंडली जो है स्टूडेंट्स, ये 1849 में महाराष्ट्र में स्टार्ट हुई थी, और इसके साथ जो फाउंडर्स एसोसिएटेड हैं उसमें हैं दादोबा पांडुरंग एंड मेहताजी दुर्गाराम.
यहाँ पे स्टूडेंट्स परमहंस मंडली की अगर हम बात करें तो ये एक सीक्रेट सोसाइटी की तरह स्टार्ट होती है, जो कि हिंदू रिलीजन के अंदर रिफॉर्म लाना चाहती है और सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना चाहती है। परमहंस मंडली की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसकी आइडियोलॉजी मानव धर्म सभा जो है इससे काफी ज्यादा मैच कर जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आता है प्रार्थना समाज, और प्रार्थना समाज को परमहंस मंडली का सक्सेसर माना जाता है, यानी कि दोनों की आइडियोलॉजी में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है। यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि 1867 में केशव चंद्र सेन जो हैं वो आत्माराम पांडुरंग की मदद करते हैं प्रार्थना समाज को स्टार्ट करने में इन बॉम्बे। तो फाउंडर कौन है हमारे? फाउंडर हैं आत्माराम पांडुरंग, और इनकी मदद कौन कर रहे हैं? केशव चंद्र सेन कर रहे हैं टू स्टार्ट प्रार्थना समाज। इनके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास जो और मेन लीडर्स हैं प्रार्थना समाज के, दीज इंक्लूड महादेव गोविंद रानाडे, आर जी भंडारकर, एन जी चंदावरकर, देन वी हैव डी के कारवे एंड विष्णु शास्त्री पंडित। तो ये हमारे पास में कुछ और लीडर्स हैं जो कि प्रार्थना समाज की बागडोर को संभालते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रार्थना समाज की अगर बात करी जाए तो महाराष्ट्र का जो भक्ति कल्ट हमारा चल रहा है उससे बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड है। महाराष्ट्र के भक्ति कल्ट में हमने देखा था किसकी सबसे ज्यादा पूजा होती है? विठोबा, ठीक है। वरी वर्करी ट्रेडिशन भी बोलते हैं हम इसको। इन सब का डिस्कशन हमने अपने भक्ति मूवमेंट के अंदर किया है। तो इसका जो आइडियोलॉजी है विठोबा कल्ट का, वर्करी ट्रेडिशन का, ये प्रार्थना समाज के रिलीजियस टीचिंग्स को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। सोशल रिफॉर्म्स की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो प्रार्थना समाज ने 4 पॉइंट्स का एजेंडा निकाला, जिसके तहत उन्होंने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया, विमेन की एजुकेशन के प्रमोशन के लिए काम किया, विडो रीमैरिज के प्रमोशन के लिए काम किया, और विमेन और मेन की मैरिजेबल एज जो है उसको बढ़ाने के लिए काम किया। तो ये 4 एस्पेक्ट्स थे जिसके तहत प्रार्थना समाज ने सोशल रिफॉर्म लाने की कोशिश करी। प्रार्थना समाज के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास में जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर आते हैं, ही इज नॉट एन इंडियन, हाउ एवर ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन द 19th सेंचुरी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, एंड हिज नेम इज हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो स्टूडेंट्स इज पॉपुलरली एसोसिएटेड विथ द यंग बेंगाल मूवमेंट, वेर इन ही वॉज अ प्रोफेसर इन अ कॉलेज एंड मोस्ट ऑफ हिज फॉलोअर्स वर हिज स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया, हेनरी जो हैं ये बंगाल में जो हिंदू कॉलेज है उसके अंदर पढ़ा रहे थे बिटवीन 1826 टू 1831। यहाँ पर स्टूडेंट्स डेरोजियो जो हैं इन्होंने और इनके स्टूडेंट्स ने राजा राम मोहन रॉय की जो फिलॉसफी थी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करी, और इस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने किन चीजों को उठाया, किन मुद्दों को उठाया? सबसे पहले तो इन्होंने ये बात करी कि भाई जो इंडियंस हैं उनको हायर ग्रेड ऑफ सर्विसेज के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स, अभी जब हम फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ने लगेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे इंडियन सिविल सर्विसेज के अंदर आप अगर एक इंडियन हैं खुद, और अगर आपने वो एग्जाम क्लियर भी कर लिया है, तो भी आपको यूरोपियंस के कंपैरिजन में कभी हायर पोस्ट नहीं मिलेगी। इस वजह से स्टूडेंट्स ये जो डिमांड है काफी लंबे समय से हमारी सोसाइटी के अंदर फैली हुई थी कि इंडियंस को भी हायर पोजिशंस मिलनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, जमींदार्स का जो ऑपरेशन है जिसकी वजह से रियोट्स या फिर जो पेजेंट्री है परेशान हो रही है, इसके खिलाफ भी आवाज उठाई हेनरी विवियन डेरोजियो ने। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, वी सी दैट दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द राइट्स ऑफ इंडियन लेबर हु हैज बीन टेकन एज इंडेंचर्ड लेबर इन दी ब्रिटिश कॉलोनीज। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि सबसे ज्यादा इंडिया से लेके लेबर को ले जाया जाता था साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अंदर शुगर और कॉटन के जो प्लांटेशंस हमारे हो गए, इनके अंदर इंडियन लेबर को लेके जाया जाता था, और इनको हम कहते थे इंडेंचर्ड लेबर। इंडेंचर्ड लेबर का मतलब क्या होता है? वो जो कि कॉन्ट्रैक्ट से बंधी हुई है। अब जब इनको वहां पर ले जाते थे तो उनके साथ में बहुत बुरा हाल होता था। एक तो अपने देश से बाहर हैं, और उसके अलावा जो है इनके एम्प्लॉयमेंट टर्म्स बिल्कुल भी एब्सोल्यूट नहीं होते थे, पैसे भी इनको बहुत कम मिलते थे, और इनके कोई सोशल पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे। तो इनको थोड़ा अच्छा ट्रीटमेंट मिले इस चीज के लिए आवाज उठाई डेरोजियो और उनके फॉलोअर्स ने। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इन्होंने प्रेस के फ्रीडम
और ट्रायल बाय ज्यूरी जो है ऐसे कुछ मुद्दों को सामने वो लेकर आए जिससे कि समाज के अंदर सोशल सोशल रिफॉर्म हो सके। डेरोजियो के बाद स्टूडेंट्स जो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, इनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ही इज द गाय स्टूडेंट्स हु इज एसोसिएटेड विथ फीमेल एजुकेशन। ही इज द पाइनियर, ही इज द चैंपियन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, स्पेशली इन द डोमेन ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इनके आइडियाज की अगर हम बात करें तो एक ब्यूटीफुल ब्लेंड है इंडियन और वेस्टर्न थॉट का। इन्होंने दोनों जगह में जो सबसे अच्छी अच्छी बातें हैं उनको मिक्स करके अपनी आइडियोलॉजी को बनाया। इन दैट कॉन्टेक्स्ट स्टूडेंट्स ही वॉज अ डीप ह्यूमनिस्ट हु वॉज वेरी जेनरस टू पीपल एंड ही बिलीव्ड इन द इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन काइंड। When it came to social reform, students, as I've told you, he was a champion of women rights, and in this context, he had supported widow remarriage and also spoken about the legalization of widow remarriage. Moreover, students, I have already told you that this guy is associated with what? He's associated with the issue of women education, and in that context, he used to get associated with many associations that were promoting women education. Apart from that, students, he also spoke against the concept of child marriage and polygamy, again reinstating the fact that he was a champion of women rights. ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, इनका नाम है बाल शास्त्री जांबेकर। इनकी अगर हम बात करें तो ये बॉम्बे के अंदर एक सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी को अटैक किया और ये बात करी कि भाई हिंदुइज्म के अंदर कुछ इंटरनल रिफॉर्म्स आने चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स इन्होंने 1832 में एक न्यूज़पेपर चलाया जिसका नाम है दर्पण। दर्पण इतना पॉपुलर हो गया कि इनको फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म भी माना जाता है। पहला ऐसा पेपर जिसके अंदर प्रॉपरली चीजों को नोट डाउन किया जा रहा है, वन ऑफ द अर्लीस्ट पेपर्स में से है, एंड दैट इज व्हाई ही इज गिवन दिस पर्टिकुलर टाइटल। इस तरह के पॉइंट्स प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट हु इज द फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म। तो यहाँ पे आपको बाल शास्त्री जांभेकर का नाम याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इन्होंने एक और पब्लिकेशन 1840 में स्टार्ट करी जिसका नाम है दीग दर्शन। दीग दर्शन के अंडर स्टूडेंट्स हमारे को साइंटिफिक सब्जेक्ट्स और हिस्ट्री इनके ऊपर आर्टिकल्स देखने को मिलते थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जांबेकर ने बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी बनवाई और नेशनल सॉरी नेटिव इंप्रूवमेंट सोसाइटी जो है इसको भी स्टार्ट किया। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इनके खुद के प्रोफेशनल करियर की बात करें तो ये पहले प्रोफेसर थे हिंदी लैंग्वेज के एल्फिंस्टन कॉलेज में जो कि बॉम्बे में है, और उसके अलावा इन्होंने कोलाबा ऑब्जर्वेटरी जो है इसके बतौर डायरेक्टर की तरह भी सर्व किया था। यहाँ पे स्टूडेंट्स इस पॉइंट को अगेन आपको बिल्कुल याद रखना है, और ऑलमोस्ट हर सोशल रिफॉर्मर से जो भी पब्लिकेशंस अटैच्ड होती हैं उन पे टाइम एंड अगेन मॉडर्न इंडिया के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट इट इज बल्की, बट द नेचर हियर इज दैट कि अगर आप मान लीजिए साइंटिफिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो वहां कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम आ जाती है। हिस्ट्री में क्या है, समझना तो कुछ है नहीं, एज सच कहानी की तरह चल रहा है, ठीक है भाई इसने ये किया इसने ये किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, रिटेन करने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन रिटेन करने की प्रॉब्लम अगर आप कंसिस्टेंट है तो अपने आप खत्म हो जाती है। रेगुलर में अगर आपकी आदत है कि भाई मैंने हर 10-15 दिन में कोई भी सब्जेक्ट जो बल्क में उठाया था उसको उसके सिर्फ पन्ने पलटे हैं, तो भी आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी चीजें याद रह जाएंगी। सो ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, डोंट टेल योर सेल्फ दैट यू आर फॉरगेटिंग इट। हमेशा अपने आप को बोलो मुझे याद हो रहा है, ये मत बोलो कि मैं भूल रहा हूं, बोलो मुझे याद हो रहा है, और आपको सारे पॉइंट्स याद रहेंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट सोशल रिफॉर्मर। इनको तो आई एम श्योर आप सभी जानते होंगे, इनका नाम है ज्योतिबा या फिर ज्योतिराव फुले, और इनके साथ जो ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड है वो है सत्यशोधक समाज। स्टूडेंट्स ज्योतिराव फुले की अगर हम बात करें तो इन्होंने कास्ट डोमिनेशन के अगेंस्ट एक पावरफुल मूवमेंट की ऑर्गेनाइजेशन करी और ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी के अगेंस्ट इन्होंने सोसाइटी के अंदर प्रचार प्रसार किया। यहाँ पर स्टूडेंट्स इस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने 1873 के अंदर अपनी बहुत ही पॉपुलर सत्यशोधक समाज जो है इस सोसाइटी को बनाया, और यहाँ पर इनको जो लीडरशिप मिलती है उसमें सारे बैकवर्ड क्लासेस के लोग आ रहे हैं जो आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं और कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज में उनको भी इज्जत मिल सके।
इसके तहत स्टूडेंट्स फुले ने दो मेजर लिटरेरी क्रिएशंस भी किए हैं और इनके नाम तो आप एकदम रट के रखेंगे। इसमें है हमारे पास सार्वजनिक सत्य धर्म और दूसरी है गुलामगिरी। तो ये दो इनके रिटर्न वर्क्स हैं, ये सीधे सीधे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनकर आते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि फुले को अपने काम की वजह से महात्मा का टाइटल भी मिल गया और ये बैकवर्ड क्लासेस के अंदर बहुत बड़े चैंपियन रहे। फुले के अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर हैं, इनका नाम है गोपाल हरि देशमुख, जिनको पॉपुलरली लोक हितावादी भी कहा जाता था। बेसिकली ये इनका खुद का नेम, पेन नेम था, ये टाइटल इन्होंने खुद ले रखा था लोक हितावादी का। और इस पेन नेम के तहत ही जो है ये अपनी एक वीकली चलाते थे, एक वीकली पब्लिकेशन जिसका नाम है प्रभाकर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम गोपाल हरि देशमुख की बात करें तो महाराष्ट्र में ये एक सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। इन्होंने एक पेन नेम ले रखा था लोक हितावादी और इस पेन नेम के अंडर ये एक वीकली पब्लिकेशन चलाते थे जिसका नाम है प्रभाकर। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे इस पब्लिकेशन के अलावा इन्होंने एक और वीकली स्टार्ट किया था जिसका नाम है हितेचू। और इसके अलावा इन्होंने कुछ और पीरियोडिकल्स हैं जिनकी फाउंडेशन में हेल्प करी थी, जैसे कि ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश और लोक हितावादी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इनको हमने इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि इनसे बहुत सारे जो है लिटरेरी क्रिएशंस एसोसिएटेड हैं। अगेन मॉडर्न इंडिया के अंदर आप देखेंगे कि बार बार हमारे पास में लिटरेचर के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है कि भाई ये जर्नल किसने लिखा, ये न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया, ये किताब किसने लिखी है। और इस कॉन्टेक्स्ट में ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स के ही होते हैं। तो जहां जहां पे भी पब्लिकेशन के नाम आ रहे हैं मैंने उनको आपके लिए बोल्ड कर रखा है और उन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। गोपाल हरि देशमुख के अलावा हमारे पास नेक्स्ट रिफॉर्मर हैं स्टूडेंट्स गोपाल गणेश आगरकर। इनकी अगर हम बात करें तो ये भी महाराष्ट्र के एक सोशल रिफॉर्मर हैं और इन्होंने बाल गंगाधर तिलक जो है हमारे पास में उनका पॉपुलर पेपर केसरी जो है उसके पहले एडिटर बनते हैं आगरकर। तो ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, कौन से पेपर से एसोसिएटेड है केसरी। क्या इन्होंने स्टार्ट किया था? नहीं, तिलक ने स्टार्ट किया था, लेकिन इसके पहले एडिटर थे गोपाल गणेश आगरकर। आगे जाके स्टूडेंट्स हम देखते हैं ये अपना खुद का एक पीरियोडिकल शुरू करते हैं जिसका नाम है सुधारक। और सुधारक के अंदर किस बात के सुधार की बात करी जा रही है? समाज के सुधार की बात करी जा रही है, जिसमें कि अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट बात करी जा रही है। इसके अगेंस्ट जो है अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करी जा रही है। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमारे पास में जो नेक्स्ट रिफॉर्मर हैं इनको आई एम श्योर आप सब जानते होंगे, इनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। स्टूडेंट्स गोपाल कृष्ण गोखले की अगर हम बात करें तो इनका टाइम आते आते तो इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बन गई थी नंबर वन। और गोखले जो है हमारे मॉडरेट रूलर्स के अंदर से आते थे, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसमें पार्टिसिपेट भी किया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे ही वॉज द लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कब बन गई थी भाई कांग्रेस? बन गई थी हमारी 1885 के अंदर। और उसके अंदर हम देखते हैं जो अर्लीस्ट लीडर्स थे उनको मॉडरेट कहा जाता था। और एक मॉडरेट लीडर जो हमारे पास हैं इनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। इनकी स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इन्होंने 1905 के अंदर एक सोसाइटी स्टार्ट करी जिसका नाम है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। और इसमें इनकी एमजी रानाडे ने भी मदद करी थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का एम क्या था? इसका एम था कि हमें नेशनल मिशनरीज को ट्रेन करना है जिससे कि वो भारत की सर्विस कर सकें। और उसके अलावा ये प्रमोट करना चाहते थे इंडिया के लोगों के इंटरेस्ट्स को बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स जब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे सोशल रिफॉर्म्स के बाद, वो हमारा प्रॉपर फ्रीडम स्ट्रगल ही है। और उसके अंदर आप देखेंगे कि जो मॉडरेट्स हैं वो हर चीज कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से करना चाहते थे, वो किसी भी वे में कोई मूवमेंट नहीं चलाना चाहते थे। इसी वजह से इनको पॉलिटिकल मेंडिकेंसी भी बोला जाता था कि भाई ये भीख मांगते हैं ब्रिटिशर्स से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन के तहत करना चाहते थे, लेकिन इनका जो मुद्दा था वो ये था कि भाई इंडिया के जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट्स को प्रमोट किया जाए। उसके अलावा ये लोग क्या चाह रहे थे? ये एक कैडर ऑफ सेल्फलेस वर्कर्स बनाना चाह रहे थे जो कि देश के कॉज के लिए अपना समय दे सकें। तो यहाँ पे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी क्या है, किसने इसको स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया और इसका एम क्या है, इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है।
इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 1911 में गोखले के अंडर एक पब्लिकेशन शुरू होती है जिसका नाम है हितावदा, और इसके अंदर हम देखते हैं सोशल रिफॉर्म्स की अगेन बात हो रही है। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले की डेथ हो जाती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास एक और जने हैं जिनका नाम है श्रीनिवास शास्त्री, वो अब सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है इसकी बागडोर को संभालते हैं और इसके प्रेसिडेंट बन जाते हैं। गोखले के अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर हैं इनका नाम है NM जोशी, ऑल्सो कॉल्ड नारायण मल्हर जोशी। इनकी अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इन्होंने सोशल सर्विस लीग 1911 के अंदर बॉम्बे में शुरू करी थी। एम क्या था सोशल सर्विस लीग का? इसका एम था कि जो हमारे पास वर्किंग क्लास है उसको बेटर कंडीशंस मिल सकें काम करने की। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इनका नाम आपको फ्रीडम स्ट्रगल में काफी बार सुनने को मिलेगा। जब भी हम वर्किंग क्लास मूवमेंट की बात करते हैं, वर्किंग क्लास कौन होती है भाई? जो फैक्ट्रीज में इंडस्ट्रीज में काम कर रही है। तो जब भी हम वर्किंग क्लास मूवमेंट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो वहां पे इनका नाम हमेशा आता है। वेर इन ही वॉज वन पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कि 1920 में शुरू हुई थी, और इसके जो पहले प्रेसिडेंट बनते हैं उनका नाम है लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि वर्किंग क्लास की कंडीशंस को बेटर करने के लिए, कि भाई उनके इतने वर्किंग आवर्स होने चाहिए, संडे की छुट्टी होनी चाहिए, चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, ये सारे जो मुद्दे हैं ये NM जोशी ने उठाए। और इसमें हम देखते हैं सबसे पहले इन्होंने सोशल सर्विस लीग स्टार्ट करी और बाद में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के फाउंडेशन में मदद करी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अपने फर्स्ट पार्ट की सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का डिस्कशन कंप्लीट कर रहे हैं। अभी हमारे पास बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स बच्चे हैं जिनका डिस्कशन हम अपने सेकेंड पार्ट के अंदर करेंगे। क्विक रिकैप के तहत स्टूडेंट्स हमने स्टार्टिंग के अंदर देख लिया कि भाई किस तरह की मूवमेंट्स हो रहे हैं, सोशल मूवमेंट क्या होता है, रिलीजियस मूवमेंट क्या होता है, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट क्या होता है, सोशल मूवमेंट कौन से दो एस्पेक्ट्स में जा रहा है। मोर ओवर जब आप इन लोगों को या इन ऑर्गेनाइजेशंस को असेस करेंगे, तो इस कॉन्टेक्स्ट में लेट्स से कि हमारे पास कोई सोशल रिफॉर्मर है, तो फोकस पॉइंट्स क्या होंगे? फोकस पॉइंट्स ये होंगे, नंबर वन, इन्होंने कौन सी एसोसिएशन बनाई, ठीक है। नंबर टू, क्या इसके तहत इन्होंने कोई पब्लिकेशंस करी हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद नंबर थ्री होगा, एम क्या थे और किन एरियाज के अंदर ये फोकस कर रहे थे। एंड नंबर फोर, क्या इनको इनके कोई पॉपुलर रिजल्ट्स मिले। फॉर इंस्टेंस अगर हम राजा राम मोहन रॉय की बात करें तो उनको रिजल्ट मिले हैं, सती प्रथा को बैन कर दिया गया। उसके अलावा हम देखते हैं जिन्होंने भी विमेन राइट्स के लिए काम किया, जैसे कि ईश्वर चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, इनकी अगर हम बात करें तो इनके तहत हम देखते हैं कि भाई विमेन की जो मैरिजेबल एज है उसको बढ़ाया गया था, तो इस कॉन्टेक्स्ट में इनको रिजल्ट्स माना जाता है। तो ये कुछ हमारे पास चार पांच हेड्स होंगे जिसके कॉन्टेक्स्ट में आप किसी भी सोशल रिफॉर्मर को एनालाइज करेंगे। विद दिस स्टूडेंट्स आवर डिस्कशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इज कंप्लीट। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स थरली। अगेन स्टूडेंट्स, दीज आर एक्सट्रीमली फैक्चुअल पॉइंट्स। आई अंडरस्टैंड, आई टोटली अंडरस्टैंड कि इसमें समझे क्या, इसको तो याद करना पड़ता है, बट यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कंटेंट क्यूरेशन की बहुत जरूरत होती है कि भाई हमारे पास जो इतनी बड़ी बड़ी किताबें होती हैं उसमें से कैसे हम लिमिटेड कॉन्टेंट निकाल के उसको बार बार रिटेन करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अपना डिस्कशन कंप्लीट करते हैं। इफ यू एंजॉय स्टडिंग विद मी, डोंट फर्गेट टू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन बी नोटिफाइड वेन एवर अ न्यू वीडियो इज कमिंग अप। थैंक यू।